नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है रेलवे टेक्नीशियन एवं असिस्टेंट लोको पायलट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 50 प्लस प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला रहेगी और ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और आप हमारे हर वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मशहूर यूरोपियन यात्री बार्नियर्स पेशे से क्या था? दोस्तों, यह इसका आंसर है पेशे से था चिकित्सक था दोस्तों, यह पेशे से। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि कुतुब मीनार कंप्लीट किसने करवाया था? उसका आंसर दोस्तों इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? दोस्तों, इसका आंसर है मोहम्मद शाह जाफर द्वितीय। दोस्तों, यही मुगल वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद अगला प्रश्न, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक कौन था? दोस्तों, सबसे बड़ा बाधक था शहर यार। इसके बाद अगला प्रश्न, चाणक्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, चाणक्य की राजधानी थी बतापी। इसका आंसर है बतापी। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? दोस्तों, इसका आंसर है गुप्त काल में। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे या कौन थी? इसका आंसर दोस्तों ज्योति बसु। इसके बाद अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गए थे, यानी कि दो भागों में डिवाइड हो गए थे, एक हीनयान और एक महायान, यह दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में बट गए थे, या दोस्तों कौन सी बौद्ध संगीति में विभक्त हुए थे, यानी अलग अलग हुए थे? इसका आंसर दोस्तों चतुर्थ संगीति में अलग अलग हुए थे, यानी चौथी संगीति में। तो इसके बाद अगला प्रश्न, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलान किस बिंदु है, यानी पूर्वी और पश्चिमी घाटी का मिलन किस बिंदु पर होता है? उसका आंसर दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इसके बाद अगला प्रश्न, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है जो किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर है दोस्तों जैन धर्म से। इसके बाद अगला प्रश्न, कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? इसका आंसर दोस्तों एंटार्क्टिका या अटलांटिका भी बोलते हैं इसके लिए। इसके बाद अगला प्रश्न, लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों ताइवान देश में मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर दोस्तों पत्रिका के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व में पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 27 सितंबर को। इसके बाद अगला प्रश्न, उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम प्रतिस्तर कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंधित है? तो इसका आंसर दोस्तों पूर्वी बंगाल से, यहाँ पर हुई दोस्ती सबसे बड़ी डकैती। इसके बाद अगला प्रश्न, जैन धर्म के त्रिन रतन कौन कौन से हैं? त्रिन रतन कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर दोस्तों पहला रतन है सम्यंग विकास, दूसरा है सम्यंग आचरण और तीसरा है सम्यंग विचार, यह तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? इसका आंसर है जनवरी 1969 ईस्वी में।
इसके बाद अगला प्रश्न, यामिनी कृष्ण मूर्ति का किस नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का किस नृत्य से संबंध है? इसका आंसर है भरतनाट्यम नृत्य से, भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न, फोवर्स किस ग्रह का ऑफ ग्रह है? फोवर्स किस ग्रह का ऑफ ग्रह है? इसका आंसर दोस्तों मंगल ग्रह का। इसके बाद अगला प्रश्न, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। इसके बाद अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों जीबी मंगलकर, यानी गणेश, इनका नाम था गणेश, नाम था जो भी था गणेश करके नाम था, इसलिए जीबी मंगलकर माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस है जो, ग्रीन पीस क्या है दोस्तों? ग्रीन पीस है पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसका नाम है ग्रीन पीस। इसके बाद अगला प्रश्न, भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर पुरी और पिलानी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो इसका आंसर दोस्तों नागर शैली से। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों भारत में हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, देश की प्रथम आईएओ 9001 यानी 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है भोपाल एक्सप्रेस। इसके बाद अगला प्रश्न, अर्थ आई शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर दोस्तों क्रिकेट से। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों यह स्थित है बड़ा निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद अगला प्रश्न, ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है? ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर, कहाँ पर दोस्तों? प्रशांत देशांतर पर। इसके बाद अगला प्रश्न, किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? ऋतु प्रवास का प्रचलन है, तो इसका आंसर दोस्तों भूटिया जनजाति। इसके बाद अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मणों के देवता थे सोम देव। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है? दोस्तों भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है? इसका आंसर दोस्तों 5। इसके बाद अगला प्रश्न, 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? इसका आंसर दोस्तों यह है दोस्तों एक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास ग्रह है, जहाँ पर प्रधानमंत्री रहती है इंग्लैंड की। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोलंबिया अमेरिका स्पेन शटल दुर्घटना में मृत कल्पना चावल मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? दोस्तों कोलंबिया अमेरिका स्पेन शटल जो दुर्घटना हुई थी अंतरिक्ष में, वो कल्पना चावल मर चुकी थी, और यह मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? इसका आंसर है दोस्तों हरियाणा की। इसके बाद अगला प्रश्न, गढ़सोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों गढ़सोपा जलप्रपात है सरावती नदी पर। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों संख्या थी 7। इसके बाद अगला प्रश्न, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर दोस्तों
सचेंद्र नाथ सन्याल ने। इसके बाद अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत की रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? वर्तमान में भारत की रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 64,640 किलोमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न, पश्चिम और पूर्वी घाट मिलती हैं कहाँ पे? पाल घाट पर मिलती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के स्थान प्राप्त हुए है नागार्जुन कोंडा से। इसके बाद अगला प्रश्न, मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम बार किसे प्रदान किया गया था? इसका आंसर है नेल्सन मंडेला। इसके बाद अगला प्रश्न, जापान का नाकासाई नगर किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों क्यूसू पर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न, हॉर्मुज जल संधि किस दो देशों को अलग करती है? हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? इसका आंसर दोस्तों ईरान और एबा ओमान को अलग करती है। इसके बाद अगला प्रश्न, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक संपन्न हुई थी 1952 में। इसके बाद अगला प्रश्न, कै गांव में होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। इसके बाद अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन है? यानी कि कितने राज्य या कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में? तो दोस्तों यह भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, पैगोंडा क्या है दोस्तों? यह पैगोंडा है एक जैन मंदिर। दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न है, जोरास्ट्रियंस कहलाते हैं दोस्तों यह कहलाते हैं अग्निपूजक जाति के लोग कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोंडा कहा जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों म्यांमार को कहा जाता है, जिसे अब बर्मा, पहले बर्मा बोलते थे, अब म्यांमार बोला जाता है और म्यांमार को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन। दोस्तों इसके साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।